हेलो गाइस। तो आज बहुत ही ख़राब दिन था शायद मेरे लिए, क्योंकि कुछ पॉइंट के लिए मैं जो है ग्रैंड लीग जो है मिस कर दिया मैंने हाला प्ले में। तो थोड़ा अफसोस हो रहा है क्योंकि कुछ ही पॉइंट था फ्रेंड। हालांकि मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं ग्रैंड लीग आपको जिता के आपको प्रूफ दूंगा, ठीक है? तो अब अगर आपको भी जीतना है तो आप प्लीज़ मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो इस वीडियो में मैं इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश के अंडर-19 मैच के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोनों ही टीमों के लिए मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो नौ टीमों में से जो इंग्लैंड है थोड़ा ज़्यादा मजबूत दिख रहा है, क्योंकि जो जिस तरह का पिच में मैच होने वाला है उस तरह का पिच में जो फास्ट बॉलिंग के लिए मदद होने वाली है, तो इंग्लैंड जो है ज़्यादा स्ट्रांग टीम दिख रही है। लेकिन बांग्लादेश भी कमज़ोर टीम नहीं है, एज़ फर उन्होंने जितना अच्छा परफॉर्म किया है अंडर-19 में। तो चलिए मैं आपको सारी न्यूज़ अपडेट और प्लेइंग 11 के साथ एक अच्छा टीम मैं आपको बना के देने वाला हूँ। तो एज़ पर न्यूज़ मैंने बहुत सारी कोशिश की है, लेकिन कुछ खास न्यूज़ मुझे नहीं मिली क्योंकि अंडर-19 का मैच है तो उतना न्यूज़ मुझे नहीं मिला। तो मैं आपको जो मिला है उससे ही बता देता हूँ। विकेट कीपर पे आपके पास ये दोनों जो है अवेलेबल और अच्छे ऑप्शन रहेंगे, ठीक है? महीदुर इस्लाम एंड जैक डेविस। तो मैंने यहाँ पे जैक डेविस के साथ गया हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे महीदुल के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि दोनों ही जो है सेफ़ एंड अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। बैट्समैन की बात करें तो मैं बैट्समैन पे यहाँ पे आप पिनाक घोष को ले सकते हो, जो कि पिछले कुछ मैचों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और प्लस ओपनिंग भी कर रहे हैं। तो मैंने इसे इसलिए नहीं लिया है क्योंकि जब भी इंग्लैंड के फास्ट बॉलिंग जब बॉलिंग करेंगे तो सीम और स्विंग ज़्यादा मिलेगा, तो शायद ही जो बांग्लादेश के ओपनर या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए मैंने ज़्यादातर जो है जो टॉप क्लास बैट्समैन है बांग्लादेश के मेन प्लेयर है उसी को लिया है, जैसे सैफ हसन, सईदुल इस्लाम, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो आपको मोहम्मद नईम, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है अभी तक, तो आप उसे ले सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आप यहाँ पे मोहम्मद रकीब, जो कि सॉरी मोहम्मद रकीब तो नहीं खेल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप टॉम बीटन के ले सकते हो, जो कि अच्छे खासे परफॉर्म कर चुके हैं इंग्लैंड के लिए, तो ये भी आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने लियम बंक को लिया है, जो कि ओपनिंग करता है और बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी है। तो ऑलराउंडर के लिए आपके यहाँ पे सिर्फ चार ही जो है मेरे हिसाब से सभी अच्छे ऑप्शन है, लेकिन विल जैक, हैरी बुक एंड आफिफ हुसैन जो है तीनों बेस्ट ऑलराउंडर है आपके लिए और सबसे अच्छे पॉइंट आपके लिए दिला सकते हैं। तो यहाँ पे येरोन वुड भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आप इसे कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करने के लिए आप इसे ले सकते हो। और प्रेम सिसोदिया भी जो है अच्छी खासी परफॉर्म कर लेंगे आपके लिए। तो बात करते हैं बॉलर की, तो ऑलराउंडर सेक्शन पे हमारे पास जो है मेन मेन बॉलर्स और विकेट कीपर बॉलर आ गए हैं, लेकिन जो ओपनिंग करते हैं बॉलिंग की, तो मेरे यहाँ पे लुक हॉलमैन, इथर बम्पर एंड नईम हसन को मैंने लिया है, ठीक है? तो इसके अलावा आपके पास कौन कौन अच्छा ऑप्शन रह जाता है? यहाँ पे हसन महमूद एक अच्छा ऑप्शन है जिसे मैंने नहीं ले पाया, और काजी क्विन को भी मैं नहीं ले पाया क्योंकि मैं किसी बैट्समैन को ड्रॉप नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप चाहें तो कुछ ग्रैंड लीग के जब टीम बनाओ तो आप इस तरह के जो बॉलर्स, पाँच बॉलर्स के साथ भी आप जा सकते हो, ठीक है? तो पाँच में से ज़्यादातर आप इंग्लैंड के बॉलर को लेने की कोशिश कीजिए और हसन महमूद और क्विंट को आप ले लीजिएगा, तो आपका टीम का जो है बैलेंस भी अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में जो मैं आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बताने वाला हूँ, तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि उससे जो है हमारा हौसला बढ़ता है। तो हम बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के लिए। विल जैक एंड अभी भोसन आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, लेकिन अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पे एज बुक आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, सैफ हसन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, तो धीरुधर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं अगर बांग्लादेश, अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश जीतेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो है इंग्लैंड जीतने के चांसेस ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे विल एंड ब्रोक आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, लेन ब्रंक आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है? तो यही कुछ अच्छा ऑप्शन रहेंगे आपके लिए इस मैच के लिए। तो फ्रेंड, आगे के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।